अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे जलेबियाँ किस तरीके से बनती हैं। पहले मेरे चैनल पर दो जलेबी की रेसिपीज मौजूद हैं, तो एक रेसिपी दोस्तों उसमें से कमर्शियल थी और एक की जो टेक्निक थी वो अलग थी। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने लगा हूँ, ये हम बनाएंगे होममेड जलेबी की रेसिपी। और आप अपने घर में बिल्कुल हलवाइयों जैसी जलेबी किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी टेक्निक क्या है बिना किसी केमिकल के, तो देख लेते हैं दोस्तों। हलवाई स्टाइल में जलेबी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, एक कप मैंने लिया है मैदा। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे खमीर, जिसकी वजह से हमें जलेबी के अंदर केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। तो खमीर बनाने के लिए हम लेंगे सिर्फ मैदा और पानी, इसको अच्छे से हल कर लेंगे। और कितना इसको थिक रखना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको हमने कम से कम, अगर जो ज़्यादा गर्मी हो तो आपने इसको एक दिन रखना है, जहाँ ठंडा मौसम है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ आप इसको 2 से 3 दिन रख के उसके बाद इसकी जलेबी बनाएंगे। और किस तरीके से आपने इसकी जलेबी बनानी है ये मैं आगे चल के वीडियो में पूरा तरीका आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स करें, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए एक भी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसके अंदर ऐड करना है इस तरीके से। अगर ये दोस्तों गुठलियाँ होंगी तो जब आप जलेबी बनाएंगे तो ये उसके अंदर फंस जाती है, कपड़े के अंदर गुठलियाँ इसकी, तो आपसे जलेबी सही नहीं बनेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी इसकी थिकनेस रखनी है। इसको अच्छे से मैं एक दफ़ा और मिक्स कर दूँ और हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा के तो मैं इसको रख दूँगा तकरीबन एक दिन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी शुरू हो चुकी है। फिर अगले दिन इसको देखते हैं। खमीर को बना के एक दिन मैंने रख दिया था, अब इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कि मैं ले रहा हूँ चीनी। और आज मैं आपको शीरा कप के हिसाब से कैसे बनता है वो तरीका बताऊंगा। तो तकरीबन 3 कप के करीब मैंने चीनी ले ली है और 2 कप इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। तो 2 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, 3 से 4 पीस इसके अंदर इलायची के शामिल करेंगे। तो इसका हमने बना लेना है शीरा। अगर जो कम पड़ेगा मैं बाद में भी बना लूँगा, सिर्फ आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसको उबाल दिला लेंगे, 3 से 4 उबाल, और जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है जलेबी का बैटर बना लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो खमीर जलेबी का, जिसको कि मैंने एक दिन रखा था सिर्फ, और ये खट्टा हो चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स भी आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा इसमें से खटास आ रही है कि अगर जो आप इसको सूंघ के देखेंगे तो शायद आप सोचें कि ये ख़राब हो चुका है, इसको फेंक देना चाहिए, मगर ऐसा आपने नहीं करना। इसकी अभी हम जलेबी बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। एक बाउल ले लिया है, तो 2 कप के करीब मैं दोस्तों मैदा ले रहा हूँ। आज सारी मेजरमेंट मैं कप से ही आपको करके दिखा रहा हूँ। अक्सर बहनें बोलती हैं कि हमें कप से सिखाएं, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे ये वीडियो बनाने लगा हूँ। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेसन शामिल कर रहे हैं जलेबी को कुरकुरा करने के लिए। तो तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा कम दोस्तों मैंने मैदा लिया है। अब इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। खमीर जो हमारा रखा हुआ है वो हमने बाद में शामिल करना है, पहले हम इसको घोल लेंगे, इसका बैटर बनाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों जलेबी का जब भी आपने बैटर बनाना हो तो एक बात का ध्यान रखा करें, इसके अंदर गुठलियाँ ना आने दिया करें। और आज जो मैं आपको रेसिपी बताने लगा हूँ जलेबी की, ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि इंशाल्लाह जो बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनसे घर में जलेबी नहीं बन पाती, अगर जो इस रेसिपी को वो फॉलो करके बनाएंगी, कप के हिसाब से बना लें, तो इंशाल्लाह परफेक्ट जलेबी बनेगी और बाज़ार से भी अच्छी जलेबी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसान जलेबी की मैंने रेसिपी कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो खट्टा मैदा इसके अंदर दोस्तों हम क्यों शामिल करते हैं ये मैं आपको बता दूं कि खट्टा मैदा इसलिए इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ताकि मैदे की जान टूट जाए इसका जो हम बैटर बनाएंगे, और वो कपड़े से आसानी से निकले और जलेबी फ्राई होने के बाद कड़क रहे, कुरकुरी रहे, इसलिए इसके अंदर मैं खट्टा मैदा शामिल कर रहा हूँ। अगर जो आप इसके अंदर खमीर मैदा नहीं शामिल करेंगे फिर आपको इसके अंदर रंग कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या जो मीठा सोडा है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको अलग टेक्निक से बनाना बता रहा हूँ, इसकी मैं कमर्शियल वीडियो भी एक बना चुका हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा जो खट्टा खमीर था, 1 कप इसको मैंने लिया था। पहले इसके अंदर से थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करके देखेंगे कि हमारी थिकनेस बरकरार है और ये जो हम बैटर बना रहे हैं ये बिल्कुल सेट है या नहीं, और इसकी पहचान क्या होती है कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है, ये भी आज इसी वीडियो में
बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों आपने तवज्जो से देखना है ताकि जलेबी का भी आपका मसला हल हो जाए। तो इसको हम स्पैचुलर की मदद से मिक्स करना है। तो बाकी जो बचा हुआ है इसके अंदर हमारा खमीर है वो भी इसमें मैं शामिल कर देता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैंने इसके अंदर खमीर शामिल किया है तो ये जो बैटर है ये हल्का हो चुका है और माशाल्लाह से ये ऐसा हो चुका है कि ये कपड़े से बिल्कुल आसानी से निकलेगा। तो जब तक आपका खमीर जो जलेबी का बैटर है वो कपड़े से नहीं निकलेगा या बोतल से सही नहीं निकलेगा, जलेबी आपकी ना तो गोल बनेगी, ना सही तरीके से फूलेगी और ना ही कड़क होगी। तो अब इसके अंदर मैं मीठा सोडा शामिल करने लगा हूँ। तकरीबन ये है 1 टीस्पून जितना मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये मीठा सोडा है। ज़रा सा इसके ऊपर पानी शामिल करेंगे ताकि सोडे के अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह हों तो अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। बस इतना सा इसका काम है और बैटर माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। इसके तैयार होने की क्या पहचान है अब आप देखिएगा कि दोस्तों जब ये बैटर तैयार हो जाता है तो जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये टूटेगा नहीं इस तरीके से, जैसे कि अब मैं इसको ऊपर उठा के मिक्स कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये सीधा तार की शक्ल में आ रहा है और आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। ये इसकी तैयार होने की पहचान होती है, ये आपने याद रखनी है। इस तरीके से आप चम्मच से उठाएँ और इस तरीके से देखें, आप जलेबी बना के देख सकते हैं। अगर जो ऐसा आपका बैटर होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी जलेबी सही बनेगी। अगर जो ऐसा ना हो तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा सोडा और शामिल करना है, खाने का सोडा या थोड़ा सा खट्टा खमीर और शामिल करना है आपने इसके अंदर, अगर जो ऐसा ना हो तो। प्यारे दोस्तों, जलेबी फ्राई करने के लिए कमर्शियल लेवल पर जो इस्तेमाल होता है वो होता है वनस्पति घी या देसी घी, कुकिंग ऑयल कोई भी इस्तेमाल नहीं करता कमर्शियल लेवल पे। तो मैं भी दोस्तों वनस्पति घी के अंदर आज बना रहा हूँ जलेबियाँ। और कितने टेम्परेचर पे आपने रखना है घी को ये भी बताएंगे। अभी आपको शीरा दिखा देते हैं तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। तो एक तार शीरे में बननी चाहिए, मोटी तार, और शीरा इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली शीरे में जलनी चाहिए हल्की हल्की। ठंडा शीरे के अंदर जलेबी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, शीरा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म हो गया जैसे कि आप चाय पीते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म। तो ये दोस्तों कपड़ा है, ये मार्केट से आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान में तो ये कपड़ा बआसानी मिल जाता है। पाकिस्तान से बाहर मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनें हैं वो मुझे कमेंट्स करती हैं जलेबी के बारे में, तो उनका बहुत दिल करता है जलेबी खाने को। तो इसलिए मैंने कोशिश करके इस रेसिपी को कप में बनाया है, कम क्वांटिटी में बनाया है। और दोस्तों ये कपड़ा आप अपने घर में भी बना सकते हैं, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक शॉपर लगा होता है जिससे कि जो जलेबी का बैटर होता है उसका पानी बाहर ना निकले। इस तरीके से आप इसको पैक कर लें। ये जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। ज़रा सा आप इसका मैदा लें, घी में डाल के देखें, एकदम से ऊपर आना चाहिए जब आपका टेम्परेचर सही होगा। अगर जो देर से ऊपर आएगी जलेबी का बैटर तो घी ठंडा है, उससे चपटी चपटी जलेबियाँ बनेंगी। और घी आपका कढ़ाई के अंदर इतना होना चाहिए, तकरीबन 1/2 इंच घी, इससे ज़्यादा आपने घी नहीं डालना कढ़ाई के अंदर। और इस तरीके से जैसा आपका दिल चाहे बना सकते हैं जलेबियाँ। मैं बिल्कुल बनाऊंगा इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल की जलेबियाँ जिस तरीके से कि हलवाई बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो आपसे जो भी दोस्तों डिज़ाइन बने जलेबी का बना लिया करें, बस टेक्निक आपने ये देखनी है। जैसे आप जलेबी को घी के अंदर डालेंगे इसके मैदे को तो ये फ़ौरन से ऊपर आना चाहिए। ऊपर आने में अगर जो ये देर लेगा तो इसके अंदर समझो आपका सोडा कम है और आपकी जो घी का टेम्परेचर है वो भी कम है। तो ये दो बातों का आपने ध्यान रखना है। अक्सर बहनें जलेबी का जो खमीर है बैटर है वो अच्छा बना लेती हैं मगर फ्राई के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है, वो ठंडे घी में फ्राई करती हैं जिसकी वजह से जो जलेबी है वो चपटी चपटी बनती हैं, गोल नहीं बनती और कुरकुरी भी नहीं बनती, उसके अंदर शीरा भी। जब तक दोस्तों जलेबी कड़क नहीं होगी उसके अंदर शीरा नहीं होगा तो उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताता हूँ तो इनको ज़रूर फॉलो किया करें, इनको याद किया करें या इनको आप लिख के रख लिया करें। जब आप जलेबी बनाएंगे तो आपके ज़रूर ये काम आएगी, मुझे उम्मीद है। और जलेबी को दोस्तों आपने दोनों साइड से सेकना है और घी के अंदर से जब आपने इसको निकालना है तो ये अच्छे से कड़क होनी चाहिए। और इसकी जो सिकाई है वो आपने मीडियम आंच पे करनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे जलेबी सही नहीं पकती है और आपसे जल भी जाएगी। इस तरीके से देखें बिल्कुल कड़क हो चुकी है। और जब आप इसको शीरे में डालेंगे तो फ़ौरन से आपने इसको दबाना होता है शीरे के अंदर। जैसे ही आप जलेबी को शीरे में डालेंगे फ़ौरन से दबा लिया करें और कोशिश किया करें कि शीरा थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करें,
शीरा प्यारे दोस्तों ख़राब नहीं होता, जैसे जलेबी से जो बच जाएगा वो आपको बाद में भी काम आ जाता है शीरा। आप उसको बोतल में भर के फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें तो तब भी वो फ्रिज में रखने से भी एक महीने नहीं ख़राब होगा, कम से कम दो महीने भी नहीं ख़राब होगा। तो शीरे बनाने में कंजूसी ना किया करें, थोड़ा सा खुला डुला शीरा होना चाहिए। तो उसी टेक्निक से बना रहे हैं और ये मैं आपको बार बार दिखाने का मकसद दोस्तों यही है कि आप घी के फ्राई के टेम्परेचर को देख लें कि फ़ौरन से जलेबी को ऊपर आना चाहिए। अगर जो ऊपर आपकी जलेबी देर से आ रही है तो इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो कम है, ये याद रखने वाली बात है आपको। मैं चाहता हूँ कि आप जलेबी बनाएँ, परफेक्ट आपकी जलेबी बने, और जलेबी बना के आप जलेबी की पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरीके से आप दबा लें और माशाल्लाह से ज़बरदस्त जलेबी बन रही हैं आपके सामने हैं। मैं सारी जलेबी तो दोस्तों आपको नहीं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं बना रहा हूं, जब एंड में तकरीबन तमाम जलेबी हमारी तैयार हो जाएगी फिर ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और अब मैं ये बनाने के बाद थोड़ा सा शीरा और बना रहा हूँ, क्योंकि देखें शीरा कम हो चुका है, जलेबी ने सारा शीरा पी लिया है। तो एक दफ़ा ये जलेबी शीरे से निकाल के थोड़ा सा शीरा और बना लूँगा, एक या दो कप का, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा खुले डुले शीरे से काम करता हूँ, कंजूसी वाला काम नहीं। जब आपको कुकिंग करनी है तो खुले डुले दिल से किया करें। तो माशाल्लाह से आप जलेबी का लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, और जितनी दोस्तों आपको ये देखने में अच्छी लग रही है मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ खाने में ये बहुत ही मज़े की है। और जलेबी का जो आप बैटर बनाते हैं उसके हवाले से एक छोटी सी टिप मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि खमीर जो है खट्टा खमीर जो है उसको आपने ज़्यादा भी नहीं डालना, इतना भी नहीं डालना कि आपका सारा का सारा जो बैटर है वो खट्टा जहर हो जाए। बस इतना आपने उसके अंदर डालना है कि जो जलेबी का मैदा है उसकी जान टूट जाए और वो कपड़े से या बोतल से बनाएँ तो उसमें से आसानी से निकल आए, सिर्फ ये उसका काम होता है, और जलेबी जो है आपकी वो फूल जाए। अगर जो दोस्तों जलेबी आपकी नहीं फूल रही है तो समझो उसके अंदर आपका मीठा सोडा कम है और खट्टा खमीर जो है वो कम है। तो इस तरीके से माशाल्लाह तकरीबन तमाम जलेबियाँ मैंने बना ली हैं, शीरा मैंने और बना लिया था आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, कैसी हमारी जलेबी बनी है इसको भी बाहर निकाल देंगे। जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और प्यारे दोस्तों यही वो हौसला अफजाई है जो आपकी तरफ से हमारी होती है और हमारा दिल खुश होता है और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का दिल करता है। तो एक पीस जलेबी का दोस्तों मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी करारी करारी जलेबियाँ हैं, ऊपर से करारी हैं और अंदर से कितनी जूसी हैं। तो माशाल्लाह से जलेबी की रेसिपी हमारी तैयार है। प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।